अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सोनिया लोधी। आप देख रहे हैं पीटीवी न्यूज, प्रोग्राम है वर्ल्ड इन व्यू। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि लास्ट टाइम हमने आपसे कहा था, हम हाजिर हुए हैं दुनिया के कोने कोने से कुछ मुनफरिद खबरों के साथ। आपके फीडबैक्स हमें बहुत पॉजिटिव मिले, थैंक यू सो मच उसके लिए। कोरोना बहरहाल एक सच्चाई है और हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। हमारी पहली न्यूज भी कोरोना से रिलेटेड ही है। कोरोना ने आलमी वबा की सूरत में इस वक्त पूरी दुनिया को ही मुश्किलात से दुचार किया हुआ है। स्मार्ट लॉकडाउन हो या लॉकडाउन हो, दोनों ही सूरतों में हर इंसान, हर कारोबार, हर चीज मुश्किल का शिकार नजर आती है, खौफ का शिकार नजर आती है। वैक्सीन की तैयारी मुख्तलिफ मराहिल में है। बहुत सारे ममालिक हैं जो इस वक्त वैक्सीन बनाने की तैयारी कर रहे हैं, और जैसा कि इस वक्त तक हमें जो रिपोर्ट्स आई हैं, तकरीबन 87 लाख से ज्यादा लोग इससे मुतासर हैं और इससे शिकार अफराद की तादाद लगभग 4,75,000 से तजावज कर चुकी है। आइए देखते हैं इसके ऊपर एक तफसीली रिपोर्ट। कोरोना ने अपनी हलाकत खेजी के सबब पूरी दुनिया को परेशान करने के साथ साथ जिंदगी का पहिया मौतल कर रखा है। इस वक्त दुनिया में कोरोना के मरीजों की कुल तादाद 85 लाख के करीब हो चुकी है। इस तरह इस मर्ज का शिकार होने वालों की तादाद 4,50,000 से तजावज कर चुकी है और मर्ज में मुबतला होकर सेहत याब होने वालों की तादाद लगभग 45 लाख हो चुकी है। इस वक्त दुनिया में 36 लाख के करीब एक्टिव केसेज हैं, जिनमें से 55,000 केसेज तश्वीशनाक हालत में हैं और ये इन केसेज का सिर्फ 2% बनता है, जबकि बकिया 98% की हालत बेहतर है। अमेरिका दुनिया की वाहिद सुपर पावर, कोरोना में 22.5 लाख मरीज और लगभग 1,20,000 अमवात के साथ दुनिया में सरे फहरिस्त है और सेहत याब होने वाले अफराद की तादाद में भी सबसे आगे है। यहां ये तादाद 9 लाख से ज्यादा है। ब्राजील इस वक्त मरीजों की तादाद के हवाले से दुनिया में दूसरे नंबर पर है। यहां कोरोना का शिकार होने वालों की तादाद लगभग 47,000 हो चुकी है और सेहत याब होने वालों की तादाद 5 लाख से जायद हो चुकी है। मरीजों की तादाद के हवाले से रूस तीसरे नंबर पर है, लेकिन यहां शिकार होने वालों की तादाद दूसरे बहुत से मुल्कों की निस्बत कम है और सेहत याब होने वाले अफराद की तादाद 3 लाख से तजावज कर चुकी है। अमवात के हवाले से बरतानिया का तीसरा नंबर है। यहां वबा से शिकार होने वालों की तादाद 42,000 से ज्यादा है। भारत मरीजों की तादाद के हवाले से तरक्की करते हुए दुनिया में चौथे नंबर पर आ गया है और यहां केसेस की तादाद 3,70,000 से तजावज कर चुकी है। इस तरह मरीजों की तादाद के हवाले से बरतानिया 5वें नंबर पर है। यहां मरीजों की तादाद 3 लाख से तजावज कर गई है। कोरोना से होने वाली अमवात के हवाले से इटली लगभग 35,000 की तादाद के साथ चौथे नंबर पर है। मरीजों के हवाले से ये दुनिया में 8वें नंबर पर है। इस तरह स्पेन अमवात के हवाले से 5वें नंबर पर और मरीजों की तादाद के हवाले से 6ठे नंबर पर है। पेरू मरीजों के हवाले से 7वें नंबर पर है। यहां शराय अमवात कम है और सेहत याब होने वाले अफराद की तादाद 1,30,000 से ज्यादा हो चुकी है। ईरान मरीजों की तादाद के हवाले से लगभग 2 लाख मरीजों के साथ 9वें नंबर पर है। यहां 1.5 लाख मरीज सेहत याब हो चुके हैं। मरीजों की तादाद के हवाले से जर्मनी 10वें नंबर पर है। यहां सेहत याब होने वालों की तादाद 1,70,000 से तजावज कर गई है। मरीजों की तादाद के हवाले से तुर्की 12वें नंबर पर है। यहां मरीजों की कुल तादाद तकरीबन 1,85,000 हो चुकी है। इस तरह पाकिस्तान में मरीजों की तादाद 1,60,000 से ज्यादा हो गई है और वबा का शिकार होने वालों की तादाद 3,000 से तजावज कर चुकी है। मेक्सिको में मरीजों की तादाद 1,60,000 से तजावज कर चुकी है और वबा से जान बहक होने वालों की तादाद लगभग 20,000 हो चुकी है। फ्रांस में मरीजों की तादाद तकरीबन 1,60,000 और अमवात की तादाद 29,000 से ज्यादा हो चुकी है। सेहत याब होने वाले अफराद की तादाद 75,000 के करीब आ चुकी है। चीन के शहर बेजिंग में कोरोना के नए 28 केसेस सामने आ गए हैं और यहां सिर्फ यही मरीज हैं, जबकि 78,000 से ज्यादा लोग शिफायाब हो चुके हैं। इस तरह दुनिया के 25 ममालिक में इस वक्त कोरोना का कोई मरीज नहीं है और न्यूजीलैंड में भी सिर्फ एक मरीज रह गया है। 25 मई को जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस के हाथों मौत ने स्याह फाम बाशिंदों के दरमियान एक तहरीक ने जन्म दिया। आपको बताते चलें कि एटलांटा जॉर्जिया में भी एक स्याह फाम बाशिंदा पुलिस के हाथों मारा गया, जिसकी वजह से यह तहरीक मजीद जोर पकड़ गई। पोर्टलैंड में भी मुजाहिरीन ने पुलिस के खिलाफ एहतजाज करते हुए उनके साबका यूएसए प्रेसिडेंट थॉमस जेफरसन का मुजस्मा गिरा डाला। इसी तरह से रिचमंड में भी क्रिस्टोफर कोलंबस का मुजस्मा गिराया गया, उस पर रंग डाला गया और तालाब में फेंक दिया गया। आइए जानते हैं इस बारे में एक तफसीली रिपोर्ट।
मिनेसोटा पुलिस के हाथों जॉर्ज फ्लोइड के कत्ल ने पूरे अमरीका समेत दुनिया के लगभग 60 ममालिक में स्याहफाम बाशिंदों के हक में लोगों ने एहतजाज किया है। अब फ्लॉयड स्याहफाम बाशिंदों के लिए जबर और जुल्म के खिलाफ बगावत की अलामत बन चुका है। अभी उसकी अफसोसनाक मौत पे एहतजाज जारी था कि अटलांटा पुलिस ने एक 27 साल रिचर्ड ब्रूक्स को एक रेस्टोरेंट के सामने मौत के घाट उतार दिया। गुज़श्ता जुमे को यह वाकया हुआ है और हफ्ते को लोगों ने इस रेस्टोरेंट को भी आग लगा दी है और हालात खराब होते ही अटलांटा की पुलिस चीफ ने इस्तीफा दे दिया है। जो पुलिस वाले इस जुर्म में शामिल थे उनमें से एक को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया है और दूसरे को छुट्टी पर भेज दिया गया है। इस वाकये की तहकीकात की जिम्मेदारी जॉर्जियन ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जीबीआई को दे दी गई है। जीबीआई के मुताबिक रेस्टोरेंट वालों ने पुलिस को कॉल की कि ब्रूक्स अपनी गाड़ी में सो रहा है और इसकी गाड़ी ने रास्ता रोक रखा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ब्रूक्स के कुछ टेस्ट लिए और इसे हथकड़ी लगाने की कोशिश की और आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। ब्रूक्स ने भागने की कोशिश की लेकिन दूसरे पुलिस ऑफिसर ने अपना टेजर ब्रूक के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की। फिर गोली चलने की आवाजें सुनाई दी और ब्रूक्स जमीन पर पड़ा था। इसको अस्पताल ले जाया गया लेकिन वो जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। जीबीआई के मुताबिक इस साल में उनके पास आने वाला ये 48वां केस है जिसमें पुलिस ऑफिसर मुलव्वस हैं। ब्रूक्स के कत्ल के बाद पूरे अमरीका में फिर से एहतजाज शुरू हो गया है जिसमें मुजाहिरीन ने बैनर्स उठा रखे थे जिन पर ब्लैक लाइव्स मैटर लिखा था। अटलांटा में पहले भी एहतजाज जारी था और फ्लाइट के कत्ल में मुलव्वस पुलिस ऑफिसर को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया है। अमरीका समेत दुनिया भर में लोगों ने स्याहफाम बाशिंदों के लिए मुजाहिरे किए और मुतालबा किया कि अमरीकी पुलिस को बेहतर बनाने के लिए इस्लाहात मुतारिफ करवाई जाएं ताकि लोग सड़कों पर कत्ल ना हों। मिनीपोलिस की सिटी काउंसिल ने एक करारदाद पेश की है जिसमें कहा गया है कि पुलिस डिपार्टमेंट कम्युनिटी पब्लिक सेफ्टी सिस्टम में तब्दील कर दिया जाए। भारतीय तौसी पसंदाना अजायम की वजह से इनके सभी हमसाये इनसे तंग हैं। पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश और नेपाल सभी इनकी इंतहा पसंद मोदी सरकार से नाखुश हैं। भारत की इसी जारहाना तबीयत की वजह से इसने तमाम खित्ते को जंग के रिहाने पर ला खड़ा किया है। आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट में। जब पूरी दुनिया कोरोना की आलमी वबा से दोचार है, इंसानियत मसीहाई की मतलाशी है, वहां भारत अपने मकरू अजायम के साथ तमाम हमसाया ममालिक बिलखसूस पाकिस्तान, चीन और नेपाल के साथ उलझा हुआ है और अपने तौसी पसंदाना अजायम की तकमील जाहरियत और बर्बरियत से करना चाहता है। जिसकी वाज़े मिसाल मकबूजा कश्मीर में निहत्ते कश्मीरियों का कत्लेआम है जहां हर रोज भारतीय इंतहा पसंद हुकूमत मोदी के हिंदुत्व को लेकर मुसलमानों पर जबर के पहाड़ तोड़ती रहती है। यतीमों और बेवाओं की तादाद में रोजाना इजाफा होता रहता है। अगस्त 2019 के बाद मकबूजा कश्मीर में भारत अपने मजालिम की नई तारीख रकम कर रहा है। हालिया दिनों में चीन भारत कशीदगी के नतीजे में 45 साल बाद इन दोनों ममालिक के माबैन सरहद पर तसादुम से 20 से जायद भारतीय फौजी हलाक हुए हैं जबकि 1975 से लेकर अब तक चीन भारत तनाजात के बावजूद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कभी गोली नहीं चली। लेकिन गुज़श्ता एक महीने से दोनों ममालिक की फौजें भारी जंगी साजो सामान के साथ एक दूसरे के सामने आ चुकी हैं और इनके दरमियान दस्त बदस्त लड़ाई के बहुत से वाकयात हो चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि शायद दुनिया की अनोखी सरहद है ये जहां फौजें डंडों, घूसों और एक दूसरे पर पत्थर फेंककर मुकाबला करती हैं। गुज़श्ता मई में चीन ने लद्दाख में अपनी फौज भेज दी और चीनी फौज ने इस इलाके में 60 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर कब्जा करके अपने खेमे और कंक्रीट के बंकर तामीर कर दिए हैं और भारी तोपखाना भी नस्ब कर दिया गया है। भारत लद्दाख को अपना हिस्सा तसव्वुर करता है और भारत यह दावा कर रहा है कि चीन ने इसके 38,000 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर कब्जा कर रखा है। चीन भारत तनाज़ात की तारीख काफी पुरानी है लेकिन हालिया तनाज़ा भारत की तरफ से इस इलाके में तामीर की जाने वाली सड़कें बनी हैं। भारत इन सड़कों का जाल बिछाकर चीन पर अपनी सबकत साबित करने के शौक में था क्योंकि मोदी सरकार अपने हमसाया ममालिक पर रिवायती गलबा हासिल करने के लिए मुतशद्दद हिकमत अमली पर इन्हिसार कर रही है। हालांकि उकसाई चेन में वादी गलवान का इलाका चीन और भारत के माबैन मुतनाज़ा है। चीन ने भारत को सड़कें तामीर करने से रोका लेकिन भारत ने अपनी हठधर्मी बरकरार रखी और नतीजतन चीन को इस इलाके में ये करना पड़ा। अगर भारत वहां सड़कें तामीर कर लेता तो चीन से लड़ाई और कशीदगी की शक्ल में भारत को इस इलाके में बर्तरी मिल जाती और यहां ताकत का तवाजुन बरकरार रखना तो दरकिनार
बिगड़ जाता और इंतहा पसंद भारतीय सरकार शुतरे बेमहार होकर सब हमसायों को अपनी धौंस दिखाती और किसी के काबू में ना आती। इस हफ्ते सोमवार और मंगल की दरमियानी शब भारतीय फौज ने चीनी फौज से अपने इलाके लेने की कोशिश की, लेकिन चीनी फौज ने घूंसे मुक्के ठुड्डे मार मारकर 20 से जायद भारतीय फौजी जहन्नम वासल कर दिए हैं, जिससे दोनों ममालिक के माबैन कशीदगी के इम्कानात और बढ़ गए हैं। दूसरी तरफ चीन ने दुनिया के बुलंद तरीन महाज पर अपनी बालादस्ती कायम रखते हुए कहा है कि हम मजीद कशीदगी के खाहां नहीं हैं। भारत के अंदरूनी हालात ठीक नहीं हैं। सारी अकलियतें मोदी सरकार के जबर से तंग हैं। वबा भारत में आग की तरह फैल रही है, लेकिन हिंदुत्व फिलॉसफी और हठधर्मी के साथ मोदी सरकार नेपाल जैसी हिंदू रियासत के साथ भी गुंडागर्दी कर रही है। लेकिन अब नेपाल के अवामी नुमाइंदगान ने नए नक्शे की मंजूरी देकर बहुत से स्ट्रेटेजिक अहमियत के इलाके जिन पर भारत अपनी इजारादारी चाहता था नेपाल का हिस्सा बना लिया है। अब भारत को वहां से भी खफत और हजीमत का सामना है। पाकिस्तानी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने भारत के हवाले से आलमी बिरादरी को कहा है कि LOC पर मुसलसल फायरिंग और आलमी कवानीन की खिलाफवर्जी का नोटिस ले, क्योंकि भारत हिंदुत्व पॉलिसियों के सबब खित्ते को जंग में झोंक सकता है और ये खित्ते के अमन के लिए मुस्तकिल खतरा है। भारत की जारियत पसंदी और अयारी से खित्ते के तमाम ममालिक ही बखूबी वाकिफ हैं। जब से मौजूदा इंतहा पसंद हुकूमत आई है, भारत के तमाम इदारे ही तकरीबन हिंदुत्व के जेरे असर आ चुके हैं। भारत में पाकिस्तानी सिफारती एहलकारों को हिरासा करना रोज का मामूल बन चुका है। कुछ दिन पहले दिल्ली में पाकिस्तानी सिफारतखाने का घेराव कर लिया गया और सिफारती एहलकारों को हिरासा किया गया और सिफारती आदाब भी पसे पुष्ट डालिए गए। जानते हैं इस तफसीली रिपोर्ट में। मुल्क के कोने कोने से सहाफियों की सबसे बड़ी और मजबूत टीम के साथ तमाम बड़े शहरों से बयक वक्त शाया होने वाला पाकिस्तान का पहला अखबार रोजनामा नई बात आज की अपने अखबार फरोज से तलब करें। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن
भारत की आयारी और मक्कारी से भला कौन वाकिफ नहीं है। ज़ेनी पसमांदगी का शिकार ये मुल्क हर रोज मकबूजा कश्मीर में जुल्म करता है, अकलियतों के हुकूक की पामाली होती है, ये दुनिया में जमहूरियत का ढोल पीटता है और सेक्युलर होने का दावेदार है, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है। और मौजूदा इंतहा पसंद भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार में हिंदुत्व के जेरे असर होकर भारत की रियासत सिफारती आदाब से भी पारी हो चुकी है। गुज़श्ता हफ्ते इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के दो अहलकारों ने एक शहरी को बुरी तरह गाड़ी तले कुचल दिया। इसके बाद पुलिस ने उनको अपनी तहवील में लेकर कार्रवाई के बाद उनको सफारती इस्तिस्ना हासिल होने की वजह से रिहा कर दिया। तहम उन पर जाली करेंसी रखने की FIR दर्ज करने के बाद दोनों को सफारत खाने के अफसर के हवाले कर दिया गया। अब इस मौके पर भारत ने दिल्ली में पाकिस्तान के सफारत खाने का घेराव कर लिया और वहां मुसल्ला अफराद को तैनात कर दिया गया। वहां मौजूद सफारतकारों को धमकियां दी गई। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा की तर्जुमान ने कहा है कि भारत में पाकिस्तानी सफारतकारों को रोजाना की बुनियाद पर सिक्योरिटी एजेंसीज और पुलिस की तरफ से परेशानी उठानी पड़ती है। भारत ने अपने अहलकारों के हवाले से इल्जाम लगाया कि उन्हें अगवा कर लिया गया है, जबकि पाकिस्तान ने ये इल्जाम मुस्तरद कर दिया है। गुज़श्ता महीने भारत ने पाकिस्तानी हाई कमीशन के दो अहलकारों को मुल्क छोड़ने का कहा जो न्यू दिल्ली में काम कर रहे थे। पाकिस्तान और भारत के आपस में ताल्लुकात हमेशा कशीदा रहे हैं और मसला कश्मीर अब भी दोनों ममालिक के माबेन एक बड़ा तनाज़ा है। कोरोना ने आलमी वबा की सूरत में जहां जिंदगी में दूसरी सनतों को मुतासर किया, वहां हवाबाजी जैसी सनत भी इससे मुतासर हुए बगैर न रह सकी। इस साल जून में बैनुल अक्वामी यानी कि इंटरनेशनल फ्लाइट में मुसाफिरों के लिए 65% तक कमी देखी गई। कुछ ममालिक में ये कमी 90% तक देखने में आई, यहां तक कि इटली में ये चीज 98% तक जा पहुंची। वबा में हवाबाजी की सनत और एयरलाइंस को बहुत सारे खसारे देखने को मिले और इससे होने वाले बेरोजगार अफराद की तादाद भी जाने कहां तक जा पहुंची है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में इसके बारे में कुछ तफसील। कोरोना की आलमी वबा ने जहां जमीन पर जिंदगी का पहिया साकत किया है, वहां आसमान में उड़ने वाले तैयारों को भी जमीन पर बिठा दिया है, जिससे इस सनत को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है और इससे मुंसलिक 25 मिलियन इंसानों का रोजगार भी दांव पर लग चुका है। वबा के फैलते ही बहुत से ममालिक ने सरहदें बंद कर दी और फजाई सफर पर पाबंदी आयद होने से बहुत सी एयरलाइंस ने अपने जहाज जमीन पर बिठा दिए और अपने मुलाजमीन को बेरोजगार करना शुरू कर दिया। कुछ एयरलाइंस ने खुद को दिवालिया होने का ऐलान कर दिया। जहाज साजी की सनत, मुरम्मत और हवाई अड्डों पर छोटे छोटे कारोबार भी परवाजों की मनसूखी से मुतासर हुए हैं। एक अंदाजे के मुताबिक हवाबाजी और एयरलाइंस को इस वबा के सबब 314 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। मार्च की इब्तिदा में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एविएशन की एक रिपोर्ट में सनत को 63 अरब डॉलर से 113 अरब डॉलर का खसारा होने का खदशा था, लेकिन फिर फजाई सफर की मुअत्तली और परवाजों की मनसूखी से इस सनत को अपने अंदाजों से ज्यादा नुकसान हो चुका है। इस वक्त दुनिया भर में 16,000 से ज्यादा मुसाफिर तैयारे जमीन पर खड़े हैं। एयरलाइंस की माली हालत मखदूश हो चुकी है और तैयारों को मुनासिब जगह और माहौल का मसला दरपेश है, ताकि जमीन पर बैठे 62% मुसाफिर तैयारों को काबिल रखने के लिए मौजूद जगह पर पार्क किया जाए। हाइड्रोलिक की मुरम्मत से लेकर फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम की हिफाजत के साथ साथ सफरी परिंदे को हब्स और मौसमी हिद्दत से भी बचाना होता है, वरना जहाज का अंदरूनी हिस्सा खस्ता हाली का शिकार हो सकता है। किसी के गुमान में नहीं था कि इस बड़े पैमाने पर भी हवाई सफर मुअत्तल हो सकता है और फजा के सीने पर तैरते हुए मुसाफिरों को अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचाने वाले सफरी परिंदे इस तरह जमीन के सीने पर बैठे होंगे और उनकी मुनासिब पार्किंग के लिए जगह ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में 4 अरब 72 करोड़ मुसाफिरों ने सफर करना था और इससे सनत को 581 अरब डॉलर हासिल होने थे, लेकिन अब इसी सनत को 314 अरब डॉलर के खसारे का खदशा है। गुज़श्ता साल जनवरी से जून के मुकाबले में इस साल मुसाफिर परवाजों की तादाद में 64.8% कमी हुई है। सिर्फ चीन एविएशन की परवाजों में फरवरी से अब तक 70.8% कमी देखने को मिली है। यूरोप में मुसाफिर परवाजों की तादाद में 55% कमी हुई है और यहाँ इस सनत को 89 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। मुसाफिर परवाजों की बंदिश से कार्गो के किरायों में 31 गुना इजाफा हुआ है, जबकि इसकी डिमांड में 9.1% कमी हुई है, क्योंकि दुनिया में 50%
कार्गो मुसाफिर परवाजों के जरिए तरसील होता है। इस तरह दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के माबेन कार्गो की तरसील में भी वाजे कमी हुई है। आलमी तजारती तंजीम के मुताबिक इस साल आलमी तजारत में 13% से लेकर 32% कमी का अंदेशा है। आलमी तौर पर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के माबेन फजाई डाक का सिलसिला भी बंद हो चुका है। दुनिया की बड़ी बड़ी एयरलाइंस ने अपने मुलाजमीन को निकालना शुरू कर दिया है। जैसे एयर कैनेडा ने अपने 60% मुलाजमीन, जिनकी तादाद तकरीबन 20,000 के लगभग, उनको मुलाजमत से फारिग कर दिया है। एयर फ्रांस KLM ने अपने 70 से 90% ऑपरेशन खत्म करने का ऐलान कर दिया है। अमेरिकन एयरलाइन ने गुज़श्ता अप्रैल में अपने अंदरूनी मुल्क परवाजों में 60 से 70% और रेमिटेंस में 80 से 90% कमी की है और एक अंदाजे के मुताबिक अमेरिकन एयरलाइन को यूमिया $70 मिलियन का नुकसान हुआ है। अप्रैल में अमरीकी हुकूमत की तरफ से एयरलाइन को $10 अरब का रिलीफ पैकेज दिया गया है। ब्रिटिश एयरवेज ने 12,000 मुलाजमतें खत्म करने का ऐलान किया है और वियतनाम एयरलाइंस ने कम्बोडिया एयर में अपने 49% शेयर्स को बेच दिया है। कैथी पैसिफिक ने अपनी 96% मुसाफिर परवाजों को मनसूख किया और कुछ मुसाफिर तैयारों के जरिए कार्गो सर्विस का काम जारी रखा। कतर एयरवेज ने अपने 75% ऑपरेशन को रोक दिया और एयरबस A380 की रिटायरमेंट और मुलाजमतों में कमी का ऐलान कर दिया है। अब दुनिया के कुछ ममालिक ने अंदरूनी मुल्क और बैरूनी मुल्क परवाजों का सिलसिला दोबारा शुरू कर दिया है। तुर्की की एयरलाइन बरतानिया जर्मनी आने जाने का सफर शुरू कर चुकी है और दिगर ममालिक में अपने अंदरूनी मुल्क परवाजों का सिलसिला दोबारा से शुरू कर दिया है। हुकूमत पाकिस्तान ने अंदरूनी मुल्क परवाजों को शुरू कर दिया है। फ्लाइट ऑपरेशन शुरू होने के 6 दिन एक हादसा भी हुआ जब PIA की परवाज 8303 को लाहौर से कराची जाते हुए हादसे का शिकार हो गई थी। दुनिया के बहुत से ममालिक इस सनद को अपने पांव पर खड़ा करने के लिए बेल आउट पैकेज का ऐलान भी कर रहे हैं और अमीर ममालिक ने अपनी एयरलाइंस को रिलीफ की मद में रकम देने का ऐलान किया है। अमरीका ने $58 अरब और सिंगापुर ने $19 अरब के पैकेज का ऐलान किया है। कोरोना ने आलमी वबा की सूरत में जहां दुनिया भर के लोगों को अपना शिकार बनाया, वहीं पर इसके मौसम और माहौल के ऊपर भी पॉजिटिव और नेगेटिव असरात मुरतब हुए। सनतों की चिमनियां ठंडी हो जाने से, गाड़ियों की बंदिश होने की वजह से और माहौल में फिजाई आलूदगी कम होने की वजह से फिजा ने सुख का सांस लिया, जिससे खटमंडू में बैठे लोगों ने हालिया तारीख में पहली मरतबा माउंट एवरेस्ट के नजारे किए और दूर दराज इलाकों के लोगों ने हिमालय का चेहरा देखा। आपको बताते चलें, वीनस की नदियों में साफ शफाफ पानी हो गया और एक और बहुत अहम बात कि ओजोन छिगाव यानी कि ओजोन लेयर में जो एक छिगाव था वो भी पुर हो गया है और इस माहौलियाती आलूदगी में कमी के बाद तकरीबन 77,000 लोगों की जानें बच गई। आइए देखते हैं इस तफसीली रिपोर्ट में। कोरोना की आलमी वबा ने जहां जिंदगी के रोजमर्रा मामलात को दुनिया भर में मुअत्तल किया है, सनअतें बंद हो गई हैं, सफर पर पाबंदी आयद हो गई है, मुल्कों ने अपनी सरहदें बंद कर दी हैं, सैर व सयाहत की सनत जवाल पजीर हुई, इंसानों को अपने घरों में महसूर होना पड़ा, गर्ज जिंदगी का पहिया जाम हो गया, वहां कोरोना की वबा ने इंसानों की सारी सरगर्मियों को रोककर माहौल को साफ शिफाफ होने का मौका दिया है। इस तरह आलमी तौर पर होने वाली सनती बंदिश ने माहौलियाती आलूदगी और फिजा में जहर फैलाने वाली जहरीली गैसेज की मिकदार में वाजे कमी के सबब फिजा को साफ करने में मस्बत किरदार अदा किया है। फजाई सफर मुअत्तल होने से फजाई आलूदगी में वाजे कमी हुई है। सिर्फ चीन में 2 माह के मुख्तसर अरसे में कार्बन के इखराज में 25% और नाइट्रोजन ऑक्साइड की मिकदार में 50% कमी देखी गई है, जिससे कमोबेश 77,000 लोगों की जिंदगी महफूज हो गई है। कोरोना से महफूज रहने के लिए किए गए इकदाम से कुछ गैर मुतवक्के नतायज बरामद हुए हैं, जैसे न्यूयॉर्क में मौजूदा आलूदगी में 50% कमी देखी गई है। इस तरह चीन में कारखाने बंद होने से और कोयले से चलने वाली सनतों के रुक जाने से कोयले के इस्तेमाल में 40% कमी हुई और हवा की शफाफियत में 11.4% इजाफा देखने को आया है। चीनी वजारत मौसमियात के अदादोशुमार के मुताबिक ये इजाफा चीन के 337 शहरों में महसूस किया गया है। यूरोप में सैटेलाइट की तस्वीरों से वाजे नजर आता है कि इटली में नाइट्रोजन ऑक्साइड के अखराज में वाजे कमी हुई है। स्पेन और बर्तानिया में सनतों का पहिया रुकने से माहौल पर मुस्बत असरात हुए हैं। सिर्फ ट्रांसपोर्ट की बंदिश से जहरीली गैस के अखराज में 23% कमी हुई है, क्योंकि ड्राइविंग और एविएशन से बिल तरतीब 72%
और 11% ग्रीन हाउस गैसेस का इखराज होता है। लॉकडाउन और आलमी बंदिशों के नतीजे में ओजोन की तह में बेहतरी देखी गई है। साइंसदानों ने यह मुशाहिदा किया कि आलमी तौर पर दर्जा हरारत में होने वाली कमी के बाइस ओजोन की तह में होने वाले सुराख पुर हो चुके हैं। ओजोन की तह जमीन को सूरज की शाओं से महफूज रखती है। ये शुआएं इंसानों में जिल्द के कैंसर का सबब बनती हैं। ओजोन तह के सुराख पुर होने की बड़ी वजह कुतुब शिमाली में दर्जा हरारत की कमी बताया गया है। माहिरीन का ख्याल है कि माहौल में ये नजर आने वाली तब्दीली आर्जी है, क्योंकि जब से आलमी बंदिशें खत्म होंगी, सनतें चलना शुरू होंगी, सड़कों पर गाड़ियों का हुजूम शुरू होगा तो फिर से आलूदगी शुरू हो जाएगी। हसीन नजारे धुएं के बादलों की लपेट में आ जाएंगे और जमीन का दर्जा हरारत फिर से ज्यादा हो जाएगा। अभी तो लॉकडाउन से माहौल साफ हो गया है, फिजा में शोर कम होने से इंसान परिंदों के गीत सुन रहा है। अब देखना यह है कि जहरीली गैसेस के इखराज पर कब तक कंट्रोल रहता है और इंसान अपने माहौल की बेहतरी और तहफ्फुज़ के लिए कोई मस्बत इकदाम कर रहा है या फिर से अपने माहौल को सनतों के धुएं और गाड़ियों के शोर की नजर कर देता है। जिंदगी के लिए मुआशी सरगर्मियां भी जरूरी हैं, लेकिन जिंदगी सबसे कीमती है। दुनिया के बाकी ममालिक की तरह लातीनी अमरीका के मुख्तलिफ ममालिक भी इस कोरोना वबा का शिकार हो चुके हैं। इस वक्त लातीनी अमरीका का सबसे बड़ा मुल्क ब्राजील अमवात और मरीजों की तादाद में अमरीका के बाद दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है। इसी तरह इस खत्ते के दूसरे ममालिक यानी चिली, पेरू और मेक्सिको भी इस कोरोना वबा की जद में आ चुके हैं। हर रोज मरीजों और मौत की शरह में इजाफा देखने को मिल रहा है। आइए देखते हैं इस हवाले से एक तफसीली रिपोर्ट। कोरोना ने दूसरे ममालिक की तरह लातिनी अमरीका के तमाम ममालिक को भी मुतासिर किया है और जिस तरह से इन ममालिक में मरीजों की तादाद बढ़ रही है तो ऐसा लगता है कि वबा का अगला मरकज यही ममालिक होंगे। इस वक्त ब्राजील इन ममालिक में सबसे आगे है। यहाँ कुल मरीजों की तादाद 10 लाख के करीब पहुंच गई है और यहाँ कोरोना से जान भाग होने वालों की तादाद लगभग 50,000 हो चुकी है और वबा से सेहतमंद होने वालों की तादाद तकरीबन 5 लाख होने वाली है। इस तरह दूसरे नंबर पर पेरू है, जहाँ मरीजों की कुल तादाद तकरीबन 2.5 लाख है। 7,056 लोग वबा का शिकार हो चुके हैं और 1,25,000 से ज्यादा सेहतमंद हो चुके हैं। चिली तीसरे नंबर पर है, जहां कुल मरीजों की तादाद 2 लाख के करीब पहुंच चुकी है, जिनमें 1,60,000 सेहतमंद हो चुके हैं और 3,383 जां बहक हो चुके हैं। कोलंबिया में मरीजों की तादाद 55,000 के लगभग है, जिसमें से 20,000 सेहतमंद हो चुके हैं और 1,808 लोग जां बहक हो चुके हैं। ये लातिनी अमरीका की फहरिस्त में चौथे नंबर पर है। इस तरह तकरीबन 50,000 कुल मरीजों के साथ इक्वाडोर पांचवें नंबर पर है, जिसमें से 24,000 के करीब सेहतमंद हो चुके हैं और 3,970 जांबहक हो गए हैं। फ्रेंच गियाना में सिर्फ 5 लोग वबा का शिकार हुए, जहां मरीजों की तादाद 1,421 थी और इसमें 619 सेहतियाब हो चुके हैं। सूरीनेम में कुल 236 मरीज थे, जिनमें से 6 जांबहक हो चुके हैं और 48 सेहतमंद हो चुके हैं। पैरागोई में मरीजों की तादाद 1,303 थी, जिसमें से 13 जांबहक हो गए और 700 मरीज सेहतमंद हो चुके हैं। यूरागोय में कुल मरीज 849 थे, जिनमें से 801 सेहतमंद हो चुके हैं और 24 जान की बाजी हार गए। अर्जेंटीना में कुल मरीज 34,146 हैं, जिनमें 10,174 सेहतमंद हो चुके हैं और 878 लुकमा अजल बन गए हैं। वेनेजुएला में 27 लोग जहां भक हुए हैं। कुल मरीजों की तादाद 3,150 थी, जिनमें से 835 सेहतियाब हो चुके हैं। इस तरह अब तक लातिनी अमरीकी ममालिक में मरीजों की कुल तादाद 15 लाख से तजावुज कर चुकी है। 63,000 से ज्यादा लोग मौत के मुंह में जा चुके हैं और 8,32,000 लोग सेहतमंद हो चुके हैं। इन ममालिक की कुल आबादी 430 मिलियन पर मुश्तमिल है। अमरीका में स्याहपाम बाशिंदे की पुलिस के हाथों मौत ने पूरी दुनिया में नस्ली इम्तियाज के खिलाफ एहतजाज और मुजाहिरों को जन्म दिया। इसमें दुनिया भर के फनकारों ने जॉर्ज के साथ अपनी अपनी मोहब्बत का इजहार किया। किसी ने दीवारों पर जॉर्ज की कद आदम तस्वीर बनाई, किसी ने दिलकश नक्शो निगारी की। आइए जानते हैं इस तफसीली रिपोर्ट में। 25 मई को जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस के हाथों मौत ने जहां पूरी दुनिया को अफसरदा किया है, वहां इसके नतीजे में दुनिया के तमाम बर्रेआजमों पर एहतजाज हुआ है। रंगों से खेलने वाले फनकारों ने अपने अपने अंदाज में इस एहतजाज में हिस्सा लिया है।
किसी ने बड़ी दीवार पर फ्लॉयड की तस्वीर बनाई है और किसी ने रंगों से नक्शो निगार बनाकर फ्लॉयड पर होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद की है। दीवारे बर्लिन पर फ्लॉयड की तस्वीर बनाकर इस पर जर्द रंग से लिख दिया है आई कांट ब्रीथ। ये फ्लॉयड के बार बार दोहराए जाने वाले अल्फाज थे जब पुलिस वाले ने उसकी गर्दन पर अपनी टांग से जोर दे रखा था और सिर्फ 9 मिनट में वो जान की बाजी हार गया। 25 मई के वाकये की वीडियो ने पूरी दुनिया में एहतजाज की एक लहर शुरू की और मेडिकल रिपोर्ट्स में बताया गया कि ये कत्ल है क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि मौत सांस बंद होने की वजह से वाकई हुई थी। शाम के एक फनकार अजीज असमार ने कहा, मैं दीवार पर बनाई तस्वीर से फ्लॉयड के साथ इजहार यकजहती करना चाहता हूं। स्याह फाम लोगों के खिलाफ अमेरिका में बढ़ते मुजालिम के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए मैंने बिशारुल असद के तैयारों से तबाहाल एक दीवार पर फ्लॉयड की तस्वीर बनाई है। अजीज असमार का कहना है कि इस तस्वीर से मैं दमिश्क में कैमियाई हथियारों से मारे जाने वाले दो मासूम बच्चों को भी याद करता हूं। इस तरह अफगानिस्तान में महर आका सुल्तानी ने काबुल में एक धमाका ज़दा दीवार का इंतखाब किया है। सुल्तानी का कहना था कि फ्लॉयड एक आलमी किरदार बन चुका है, उसको सिर्फ काली रंगत के सबब कत्ल किया गया है और हम सबको नस्ली इम्तियाज की नफी करनी चाहिए। पेरिस के फनकार डिगोडस ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को पुलिस ऑफिसर के रूप में फ्लॉयड की गर्दन पर सवार दिखाया गया है जबकि उसके हाथ में बाइबल भी दिखाई गई है। पाकिस्तान में ट्रक आर्टिस्ट हैदर अली ने अपने घर की दीवार पर फ्लॉयड की तस्वीर बनाई है। हैदर का कहना है कि मैंने तस्वीर के अंदर मोमबत्तियां और फूलों के हार फ्लॉयड से मोहब्बत के इजहार के लिए बनाए हैं और ट्रक आर्ट का काम शुरू होते ही मैं फ्लॉयड के पैगाम को आम करूंगा। कोरोना वबा ने जहां दुनिया की दूसरी सनदों को मुतासर किया, वहीं पर हमारी फिल्मी सनत और हमारे फिल्मी सितारे भी इसके असरात से महफूज न रह सके और अनफॉर्चुनेटली वो कोरोना का शिकार हुए और हम उनकी सेहत के लिए दिल से दुआगो हैं। आपको बताते चलें, दुनिया के तमाम सिनेमा हॉल्स बंद हैं इस वक्त, थिएटर्स को ताले लग चुके हैं, फनून लतीफा से मुतालिक तमाम शोबाजात बंद हैं। लोगों को हंसाने वाले अदाकार, फनकार, कलाकार इस वक्त बेरोजगारी के एक डर से, एक खौफ से अपने घरों में महसूर हैं। इसी तरह आर्ट, मौसीकी, रक्स और फिल्म के शौकीन लोग इस बात के मुंतजर हैं कि कब सिनेमा हॉल्स खुलें, कब थिएटर्स खुलें और वो अपने फेवरेट अदाकारों की फिल्में और थिएटर देख सकें। चलिए जानते हैं इस बारे में एक रिपोर्ट। कोरोना